आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है कि आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये कैसे काम करेगा आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीआई से अब हर कोई पेमेंट कर रहा है, आप जिधर भी देखेंगे सभी आदमी यूपीआई कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे चार्ज भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे एटीएम मशीन से और यूपीआई से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं जो आरबीआई का न्यू अपडेट आया है, अब जो है एटीएम मशीन में यूपीआई को जोड़ा जाएगा और इसके सहायता से आप जो है यूपीआई के माध्यम से बिना एटीएम कार्ड की मदद से पैसे निकाल सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। अब जो है एटीएम मशीन में जो है यूपीआई को लिंक किया जाएगा, यूपीआई को जोड़ा जाएगा, इसकी मदद से आप जो है यूपीआई के माध्यम से जो है एटीएम मशीन से बिना एटीएम कार्ड का भी आप पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको एटीएम मशीन में आप पहुंचते हैं, जितने की आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, तो क्यूआर कोड को आप जो है यूपीआई के माध्यम से स्कैन करेंगे और जितने आपको अमाउंट की आवश्यकता है उतना अमाउंट आप वहाँ पे इंटर करेंगे और अपना यूपीआई पिन इंटर करके जो है आप पैसे निकाल सकते हैं। और ये भी फैसिलिटी हो सकता है जितने आपको पैसे की ज़रूरत है उतना आप वहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे और वो क्यूआर कोड आपके सामने में जनरेट हो जाएगा, पैसा निकाल सकते हैं यूपीआई पिन इंटर करके। और ये भी हो सकता है क्यूआर कोड आपको दिखेगा एटीएम मशीन में और आप स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से भी आप यहाँ पे अमाउंट इंटर कर सकते हैं जितने की आपको ज़रूरत होगी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिना एटीएम कार्ड के भी आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है तो आप जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम में ये सुविधा दिया गया है, आने वाले समय में आपको धीरे धीरे सभी एटीएम में ये देखने को मिलेगा। तो बस यही अपडेट है कि आप एटीएम मशीन से बिना एटीएम कार्ड का भी आप पैसा निकाल सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।